मानयोग सीएम साहब के दिशा निर्देश ने कि आप ड्रग फ्री बनाना पंजाब नूं, और ये बहुत वड्डा एक ड्रग कार्टल अज समैश होया जिहदे जिहनूं आपां कहिंदे बिग फिश। आप मीडिया जाम कहिंदे रहिंदे आ, दो मेन बिग फिश सीगी, एक मनजीत इहदा ब्रदर लवजीत, इन्हां तों 3 किलो हीरोइन असीं बरामद कीती है। तो वहीकल्स ने एक फॉर्चूनर है, एक i20, एक रेनॉल्ट है, एक मोटरसाइकिल है, 5.25 लाख ड्रग मनी है, और बहुत सारिया प्रॉपर्टीज जड़ियाँ वो इंटरस्टेट भी मध्य प्रदेश पंजाब उतों जड़ी आइडेंटिफाई हुई हैं। बहुत वड्डा हवाला का एक रैकेट चल रहा सी ड्रग के नाल नाल, और उस तो अलावा जी मेन गल है 2015 तो ये दोनों जड़े मेन वड्डे ड्रग लॉर्ड कह सकते हैं, ये इनफोर्समेंट एजेंसियों तो भजे हुए है। जे असी पुराना इन्हों का रिकॉर्ड देखिए तो DRI मुंबई नूं जी मुंबई पोर्ट के उत्ते हीरोइन आई सी 2021 दे विच 260 किलो, उहदे च मेन अक्यूज ने दोनों पकौड़े है, फड़े नहीं गए। उस तो अलावा दिल्ली स्पैशल सैल को 6/7/2021 356 किलो हीरोइन की बरामदगी हुई सी, उस भी ये दोनों मेन अक्यूज ने। इस तो अलावा जो पुराने इन्हों के केस ने, एक फिरोजपुर का 22 किलो का, 15 किलो का पुराना अमृतसर का, सो आप एक अंदाजा ला सकते हैं कि वड्डिया मच्छियां यही ने। और जो इन्हों की पुछगिछ तो पता लग्या कि इन्होंने शिवपुरी मध्य प्रदेश के जमीन लैके उत्थे छुपे हुए रहे, उत्थे भी इन्होंने छुपा के रखी है कंसाइनमेंट्स पुरानिया गल्लां ने। हुण जे आप प्रॉपर्टीज़ की गल करिए तो इन्हों दी प्रॉपर्टी जिहड़ियां अमृतसर रूरल दे एरिए दे विच हैगियां, 2-3 जगह बाबा बकाला दे कोल है, रायपुर च है, गुरु की वडाली घर है, पुरानी जिहड़ी ना जमीन सी दोनों जिहड़े है जरनैल सिंह दे सन ऑफ जरनैल सिंह ने, फादर ने नाम जरनैल सिंह है, तो यह धुने वाल टूहे वाला टाहे वाला धुन टाहे वाला पिंड है चोला साहब डिस्ट्रिक्ट तरन तारण च, उतों के रहने वाले है। और इन्हों जो बाकी परिवार है वह भी इस काम च ही अंदर है, ताए चाचा के मुंडे भी जेल च ने हीरोइन च। और जी इंपोर्टेंट होर गल है कि हूँ इस समय ताक सके इंडिया छड्डण दे, तो उन्होंने डिफरेंट अपने नाम दे के RPO लखनऊ दे उत्थे अप्लाई किया, लखीमपुर खेड़ी दे एड्रैस दिते UP दे, तो उतों इन्होंने पासपोर्ट बनाए। एक ने जिहड़ा मनजीत है जसवीर सिंह दे नाम ते है, तो लवजीत दा हरमन दे नाम ते। इस तो अलावा जिहड़ा इन्हां दा हवाला दा ट्रांजैक्शन कर रहे वो भी बड़ी करोड़ों दे विच करदे सीगे, क्योंकि बाहर जिहड़ा इन्हां दे लिंक सी उन्होंने पैसे वापस भेजने इधर उधर करने। और प्रॉपर्टी जिहड़ी है काफ़ी, जे आपां देखिए 10 किले जमीन है इन्हां दी ओरिजिनल, एक कोठी हो गई इत्थे गुरु की वडाली 2021 च लई, 15 विघे जमीन है शिवपुरी दे विच मध्य प्रदेश, 5 किले वडाला कलां बाबा बकाला दे विच है, 6 किले इन्होंने ली है वडाला अपने रायपुर दे विच अमृतसर रूरल च। सो आपां अंदाजा ला सकते हैं कि जिहड़े काफ़ी देर तो भगौड़े बंदे इस काम के विच लगे हुए सी, वह एक कमिश्नरेट पुलिस और साड़ी टीम DCP साहब मिस्टर हरप्रीत मंडेर, अमोलक साढ़े CIA 1 दे इंचार्ज, और इन्होंने सारी टीम बहुत वड्डी इहनूं कामयाबी मानदे आ। और फरदर जिहड़ी इहदी इन्वेस्टिगेशन असीं कर रहे हां, और जिहड़ियां प्रॉपर्टीज़ ने और पासपोर्ट्स ने और सारी जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन है वह अगे असीं करांगे फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस दे, ते इहनूं टाइम टू टाइम तुहाडा शेयर करा। हाँ जी, एक लेडी हैगी जिहड़ी इहनां दी गुरु की वडाली दी है, उहदा नाम हैगा जी केस कौर। तो जे इन्हां दी आपां एज प्रोफाइल देखिए तो हरमनजीत पहला लड़का फड़िया सीगा, वह भी इन्हां दे पिंड दा ही चोला साहब का, 21 साल का, वह UK तो आया सी इस कारोबार च लग के आके इन्हां नाल। उस बाद मनप्रीत मन्ना है, यह भी 19 साल का है, इन्हां दे पिंड दा ही है, खेतीबाड़ी करता सी पर इन्होंने उन्होंने लालच दे के तो दस के भी चंगे पैसे मिल जाते हैं। जिहड़ा मनजीत मन्ना है जी बिग फिश जिन्हों कहने, 35 साल का हीरोइन का ही काम करता है,
काफी साल तो लवजीत है ये 33 साल का इहदा भरा ये भी टोटल ड्रग का ही काम कर रहे काफ़ी सालों तो और असी बाकी एजेंसीज ना भी हुण टाई अप करांगे क्योंकि फाइनैशियल इन्वैसटीगेशन भी होनी है प्लस जी इन दी पासपोर्ट्स का लिंक है कि वह किदा वेरीफिकेशन हुई RPO तो गड्डिया जी एक फॉर्चूनर एक i20 एक रेनॉल्ट एक मोटरसाइकिल और एक कंडा भी फड़ा गया इलेक्ट्रॉनिक जो ड्रग न हरमनजीत यूके तो आया एक दूजा लड़का मनप्रीत है दोनों इन्होंने पिंड ही है और एक पंजवी हैगी लेडी केस कौर जी इन्हों हर जगह सपोर्ट करती सी क्योंकि एक बजुर्ग लेडी का आसरा लैके बंदा कितने कितने रह सकता है कितने कितने डिलीवरी दे विच भी काम आ सकता है लॉजिस्टिक्स जिहड़ी उन्होंने मदद करती सी लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करती सी वो केस कौर है हाँ वो जुडिशियल चले गए जी इन्हों का रिमांड हैगा चल रहा और सानू लगता कि होर खुलासे होंगे और इंटरेस्ट रेट भी जिहड़ियां गल्लां ने उस मोबाइल फोन तुहानू मिले होणे उहदे विच कुछ नंबर निकले ने गवांडी सूबे दे देखो सारिया चीजा अपा इनवेस्टिगेशन का पार्ट ने और तुहाडा वो चीजा शेयर की गई जिहड़ियां ऑलरेडी अपा रिकॉर्ड ते भी आ चुकी हैं और उन्हां तो ही इनवेस्टिगेशन अगे असी कैरी फॉरवर्ड भी करनी है। देखो गल बड़ी सिंपल है उदो ये बाहरला एक समगलर हैगा उहदा जिवें नां तां नहीं लै रहा बिकॉज ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਡੀਕੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਬਾਹਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੋਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਆਇਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਟਿਕਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਪੋਰਟ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਫੜੀ ਗਈ ਉਦੋਂ DRI ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਪਰ ਇਹ ਭਗੌੜਾ ਹੀ ਹੈ 2015 ਤੋਂ ਉਹ ਤਾਂ 2021 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ 356 ਕਿਲੋ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੇਨ ਰੋਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਫਿਗਰ ਹੋਏ ਆ ਪਰ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲਣਗੀਆਂ ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਗ ਫਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆਮ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੈਲ ਯੂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲ ਬਿਗ ਫਿਸ਼ ਔਰ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ DG ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਗੌੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਓਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਔਰ ਆਊਟਸਾਈਡ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡਰੱਗ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮਸ ਦੀਆਂ ਰਿਕਵਰੀਆਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੀ ਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ RCM ਸਾਰੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੂਠੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਕੇਸ ਹੈ 5.25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਮੋਡਸ ਪ੍ਰੈਂਡੀ ਚੇਂਜ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਤੋ ਬਟ ਅੱਛਾ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ